नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज के आलू के भाव की और आगे आने वाले समय में आलू के दाम बढ़ेंगे या नहीं। साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बताते चलें कि आज सुबह से लगभग मैं 3 बार कोल्ड स्टोर में वीडियो बनाने के लिए निकला और जब जब निकला तब तब अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी है। साथियों, सर आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में बारिश का क्या माहौल चल रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, क्योंकि हमारे लगभग छिबरा मऊ में अच्छी खासी बारिश लगातार पूरे दिन से बराबर हो रही है। अब साथियों, बात करते हैं आलू के भाव की। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर की चकरपुर मंडी में सुपर गुल्ला जो आलू होता है हाइब्रिड का, वो 310 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं बात करते हैं 37-97 छट्टा आलू की, तो 37-97 छट्टा आलू 340 रुपए से लेकर 390 रुपए सुपर आलू, और हाइब्रिड का छट्टा आलू जो है 320 से लेकर 370 रुपए प्रति मन। और वहीं न्यू हाईलैंड आलू की बात करें तो 400 से लेकर 450 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं बात करें सिंदूर आलू की, तो सिंदूरी आलू जो है 400 से लेकर 440 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिक रहे हैं। और कानपुर की मंडी में जो बिक्री है वो अभी लगभग थोड़ी बहुत डिमांड वहाँ पे अच्छी है और बारिश की वजह से वहाँ पे माल थोड़ा कम पहुँच रहा है और डिमांड भी अच्छी है, और वहाँ के लोगों का मानना है कि लगभग कल रेट बढ़ सकते हैं। अब साथियों, बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल में 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री चल रही है। बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर में 700 से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बात करते हैं अगर हम वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में 450 रुपए से लेकर 480 रुपए प्रति कट्टा, और अच्छा आलू है तो 490 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है। अब वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में जो एवरेज मतलब जो ज़्यादातर आमतौर पे जो भाव चल रहे हैं वो 450 से लेकर और 520-30 रुपए प्रति कट्टा, और जो सुपर में आते हैं तो 550 रुपए से लेकर और 600 रुपए प्रति कट्टा एक आध गाड़ी भी बिक रही हैं। अब साथियों, बात करते हैं कि आलू में 50 रुपए क्विंटल पर रेट की बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि बिहार समस्तीपुर में अभी आज से एक दिन पहले 1150 से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से C40 आलू बिच रहा था, वहीं आज की डेट में 1150 से लेकर 1250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिकना प्रारंभ हो गया है। वहीं लोगों का मानना है आगे आलू के रेट बढ़ने की संभावना है, और साथियों वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो निकासी है वो लगभग 20% के आसपास हो गई है, और वहाँ पे बारिश का माहौल अच्छा है, बारिश अच्छी खासी हो रही है, और वहाँ के लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में आलू के भाव में बढ़ोतरी हो सकती है, और जो बढ़ोतरी होगी वो लगभग अपने जगह पे लगभग कई दिनों तक बनी रहने की ज़्यादा संभावना बता रहे हैं। वहीं बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में जो यूपी का आलू है वो 1200 से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। और वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश के छिबरा मऊ की, तो उत्तर प्रदेश के छिबरा मऊ में जो सफ़ेद आलू है वो 700 से लेकर और 750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं बात करें लाल आलू की, तो लाल गोला आलू जैसे कि कंचन, सिंदूरी, ये 900 से लेकर और 950 रुपये प्रति क्विंटल। और वहीं अगर बात करें न्यू हाईलैंड आलू की, तो वो 1100 से लेकर और 1125 रुपये प्रति क्विंटल, आई मीन 1000 रुपये से लेकर और 1125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यू हाईलैंड आलू की बिक्री हो रही है। वहीं सिंदूरी आलू की बात करें तो 950 से लेकर 1050 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गुरसाईगंज क्षेत्र की, तो उत्तर प्रदेश के गुरसाईगंज क्षेत्र में श्रीनाथ आलू 500 से लेकर और 550 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित, और अच्छा आलू है तो 585 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से भी बिक रहा है। अब बात करते हैं
न्यू हाईलैंड की अगर बात की जाए तो न्यू हाईलैंड आलू 500 से लेकर और 585 रुपये प्रति कट्टा, सुपर आलू 600 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है। वहीं सफ़ेद आलू की बात करें तो वो 250 से लेकर और आपका 385 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है। अब बात करते हैं आपका कन्नौज क्षेत्र की, तो कन्नौज क्षेत्र में जो चिप्सोना आलू हैं वो 450 रुपये से लेकर और 525 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित बिकना प्रारंभ हो गए हैं, जैसा कि इससे पहले 500 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से ही बिक रहे थे। अब बात करें न्यू हाईलैंड आलू की, तो न्यू हाईलैंड आलू जो हैं 525 रुपये से लेकर और 550 रुपये प्रति कट्टा। अब बात करें सिंदूरी आलू की, तो सिंदूरी आलू जो हैं वो 425 रुपये से लेकर और 475 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड से भाड़ा सहित बिक रहे हैं। और आपको हम जो रेट बता रहे हैं इसमें 10-20 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद क्षेत्र में जो 37-97 आलू हैं वो 400 से लेकर और 475 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित बिक रहे हैं। और ख्याति पुखराज आलू की बात करें तो 330 रुपये से लेकर और 385 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित बिक रहे हैं। वहीं बात करें चिप्सोना आलू की, तो चिप्सोना आलू 420 रुपये से लेकर 470 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं बात करें न्यू हाईलैंड आलू की, तो 450 से लेकर 525 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित, और सुपर आलू है तो 550 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और साथियों ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि बारिश होने की वजह से मैं किसी कोल्ड स्टोर या किसी भी आलू स्थान पे ना जा पाने का कारण इस प्रकार का वीडियो बनाने का मतलब है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कोल्ड स्टोर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।